सभी मित्रों को नमस्कार। तो आइए देखते हैं बहुत ही अच्छा फ्लावर जो कि हमारे तरफ मोर पंखी बोलते हैं इसको, मगर अब आप लोग बताइए। हमने डिस्क्रिप्शन में इसका नाम लिख दिया है, बहुत ही सुंदर फ्लावर है और बहुत ही बड़ा इसका जो छत्ता है, बहुत बड़ा सा छत्ता है। और देखिए इसमें नीचे इसके दाने अभी पकने वाले हैं और देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा। अगर इसको घर के आंगन में गमले में लगा दिया जाए तो कितना प्यारा फूल है। और देखिए इसकी पत्तियाँ और इसका फूल तो मुझे इतना प्यारा लग रहा है कि क्या बताएं। दिल करता है कि अगर इसको परमानेंट ऐसे रख लें, लेकिन ये ऐसा फ्लावर है कि इसको यदि आप गुलदस्ते में लगाना चाहते हैं तो कई दिनों तक इसको रख सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा लगा हुआ है ये। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस फूल की जो सुंदरता है ये देखिए बहुत ही प्यारी है, जिसकी सुंदरता देखते बनती है। और आप सभी लोग लगा सकते हैं अपने घर के बाहर और अपने गमलों में, बहुत ही प्यारा सा फ्लावर है ये। देखिए इसका छत्ता देखिए, इसका पेड़ देखिए, जो इसका फ्लावर है तो बिल्कुल एक गुच्छेदार में है, बिल्कुल चारों तरफ से ने गुच्छा सा बना रखा है। और देखिए तो हार्ड भी है, इतना जल्दी ख़राब भी नहीं होता। इसके पेड़ देखिए कितना मोटा है, और इसका पेड़ देखिए बिल्कुल चौड़ा और चिपटा हुआ है, चिपटादार और चौड़ा है। इनके बीच से इनकी देखिए पत्तियाँ निकली हुई हैं। पहले तो ये नॉर्मल निकलता है, बट जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका पेड़ भी चिपटा होता जाता है। बहुत ही पुराना फ्लावर, बहुत ही पुराना पेड़ है ये, जो कि हमारे यहाँ लगा हुआ है। तो हमने सोचा चलिए आज दिखाते हैं और आप सभी से जानकारी लेते हैं कि क्या आप इस फ्लावर के बारे में जानते हैं। बट एक चीज़ तो कहूँगा कि बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत ही सुंदर फ्लावर। इसे महक तो नहीं है बट सुंदरता के मामले में, और इसकी दवाई भी बनती है जिसके बारे में हम आगे बताएंगे।